दोस्तों जेपी ग्रुप दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपरों में से एक है। और दोस्तों ये वही कंपनी है जिसने देश का पहला आधुनिक एक्सप्रेसवे तैयार किया, ग्रेटर नोएडा टू आगरा, जिसकी लंबाई लगभग 165 किलोमीटर थी। और दोस्तों इसी के साथ साथ इन्होंने अपने कारोबार को हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सीमेंट उद्योग, इस तरह के कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा फैलाया। इसी का नतीजा था कि कंपनी के मालिक जेपी गोड का नाम 100 अमीरों की सूची में 48वें नंबर पर आता था। लेकिन दोस्तों फिर इन्होंने क्या गलतियाँ की कि इनकी कंपनी पूरी तरह से कर्ज के नीचे दब गई और कंपनी जो कभी हजारों करोड़ों की हुआ करती थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो दोस्तों जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी टू फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसे बिजनेस रिलेटेड वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों जेपी गोड का जन्म 2 जनवरी साल 1931 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। इनके पिताजी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे तो उनकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रहती थी, तो इसलिए इनकी पढ़ाई भी अलग अलग शहरों में ही होती थी। लेकिन फिर इन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT रुड़की से की और उस पढ़ाई को करने के दौरान ही इनको प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया और इनको सिविल इंजीनियर की नौकरी भी मिल गई। उस समय पर बेतवा नदी पर एक पुल बनाने का काम चल रहा था, वहाँ पर इनकी नौकरी थी और इनको लगभग 218 रुपये सैलरी मिला करती थी। लेकिन उस ही पुल पर और जो पंजाब से शरणार्थी आए हुए थे वो भी काम किया करते थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया करते थे, इसीलिए उनको महीने के 5,000 मिलते थे। दूसरी तरफ जेपी गोड को केवल 218 रुपये ही सैलरी मिला करती थी। तो इस तरह से कुछ सालों के बाद काम करने के बाद जेपी गोड ने देखा कि मैं भी वही काम करता हूँ और ये भी वही काम करते हैं, इनको 5,000 और मुझको 218 ही मिलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेकर फिर उस पर काम करूंगा। इसीलिए इन्होंने साल 1958 में जेपी ग्रुप नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर और फिर खुद ही उसको काम किया करते थे, साथ ही साथ और लेबर को लेकर भी काम कराया करते थे। तो इस तरह से जो इनका कंपनी का कारोबार था वो धीरे धीरे चल निकला। हालांकि शुरुआत में इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो छोटे छोटे ही हुआ करते थे, लेकिन इनके हाथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा साल 1979 में। वहाँ पर ईरान से इनको लगभग 250 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन उसके लिए बैलेंस शीट की ज़रूरत थी जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन उस समय तक 20 करोड़ रुपए इनके कंपनी की बैलेंस शीट थी ही नहीं, इसीलिए इन्होंने इधर उधर से उधार लेकर कुछ पैसों का इंतजाम कर बैलेंस शीट को पूरी किया और फाइनली उस ईरान वाले 250 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा किया। इस तरह से कंपनी का कारोबार एकदम से काफ़ी ऊपर चला गया और धीरे धीरे फिर इन्होंने और भी देश में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन कार्य करने शुरू भी कर दिए। अब देखते ही देखते 218 रुपये महीने कमाने वाला एक बंदा अब धीरे धीरे उसका कारोबार करोड़ों में हो रहा था। अब जैसे ही कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने अपने बिजनेस को और भी फील्ड में बढ़ाना शुरू किया। साल 1981 में इन्होंने होटल के कारोबार में भी कदम बढ़ाए। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन जो आसपास के स्टेट थे उनमें अपने होटल खोलने शुरू किए। लेकिन अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के काम को जब ये किया करते थे तो इनको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत भी पड़ती थी और जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था सीमेंट, जो इनको बाहर से दूसरी कंपनी को खरीदना पड़ता था, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का ही सीमेंट उद्योग लगा दिया जाए जिससे हमको सीमेंट खरीदना नहीं पड़ेगा और जो हमारी कॉस्ट सीमेंट खरीदने में जाती है वो हमको सीधे सीधे बच जाएगी, जिससे हमको कॉन्ट्रैक्ट में और भी ज़्यादा फायदा होगा। और इसीलिए साल 1986 में इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करके एक छोटा सा सीमेंट कारखाना भी चालू किया जिसका नाम इन्होंने रखा जेपी सीमेंट। इस तरह से ये सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी उतर चुके थे, लेकिन सीमेंट का इंडस्ट्रीज में काफ़ी कंपटीशन था। लेकिन इनको उस कंपटीशन से डर इसलिए नहीं था क्योंकि ये अपने जो सीमेंट था उसको बेचते तो थे ही, साथ में उसका खुद ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, इसी पर्पज़ से इन्होंने इसको बनाया भी था। अब 2001 का दौर आने के बाद फिर इन्होंने IT सेक्टर में भी एंट्री मारी। जेपी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी की भी शुरुआत की जिसमें ये IT से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन थे वो कंपनी को दिया करते थे। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री मारी जहाँ पर इन्होंने जेपी इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। साथ ही साथ जेपी हेल्थ सेक्टर में भी उतरा जहाँ पर इनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जेपी के बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खोले जो आधुनिक सुविधाओं से लैस थे, जिससे भी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। इन्हीं कंपनियों के दम पर जेपी गोड साल 2009-2010 के दौर में जो अमीरों की टॉप 100 की सूची थी उस पर 48वें नंबर पर भी आए थे। और इतना साम्राज्य बिल्ड करने के लिए इन्होंने जाहिर सी बात है मेहनत तो की ही थी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बैंकों से भी काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था जिससे ये बिजनेसों को बिल्ड किया था, तो उनकी भी मोटी किस्त इनको चुकानी पड़ती थी। लेकिन इनका काम फिर भी ठीक ठाक चल रहा था और रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट भी हो रहा था। लेकिन फिर इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला UP गवर्नमेंट से, वहाँ पर इनको ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक एक आधुनिक एक्सप्रेसवे तैयार करना था।
जिसके बदले सरकार ने इनको 450 एकड़ जमीन दी, जिसमें इन्होंने अपना खुद का एक विश टाउन बनाया, जिसमें इन्होंने रियल इस्टेट में भी एंट्री मारी। और उस जो 450 एकड़ इनको ज़मीन मिली थी उसमें बड़े बड़े लग्जरी फ्लैट्स, स्विमिंग पूल वाले फ्लैट्स, इस तरह के जो इनका पूरा आवासीय योजना थी उसको इन्होंने वहाँ पर चालू किया, जिसमें लोगों को लगभग 32,000 फ्लैट बनाकर देने का वादा किया। और लोगों ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि एक तो ग्रेटर नोएडा प्राइम लोकेशन पर थे, साथ ही साथ जो यमुना एक्सप्रेस वे नया बना था उसकी लोकेशन एकदम पास ही थी, तो लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। खूब सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, काफ़ी सारे लोगों ने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। इस तरह से कंपनी के पास लगभग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यू था वो आ चुका था। इतना सारा अमाउंट आने के बाद कंपनी ने उस जो अपनी विस्टाउन योजना थी उसको पूरा ही नहीं किया, जिसमें इनको लगभग 32,000 फ्लैट बनाने थे, उनमें से केवल 10-15% फ्लैट ही इन्होंने लोगों को बना कर दिए। बाकी के जो 90 या 85% लोग थे उनका पैसा पूरी तरह से डूब ही चुका था, ना तो उनको फ्लैट का पजेशन ही मिल रहा था, उन्होंने पेमेंट भी एडवांस कर दी थी वो भी उनको रिफंड नहीं मिल रही थी। और यहीं से अब कंपनी के लिए समस्याओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ कंपनी के पास जो बायर्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका था, और कंपनी ने उस पैसे को उन्हीं प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय अलग अलग जो प्रोजेक्ट थे उनमें इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कि जो उनके जो पुराने फ्लैट थे वो भी पूरे नहीं हो पाए, और जिनमें नया इन्वेस्ट किया था वो प्रोजेक्ट भी अधूरे रह गए, जिससे बायर्स ने भी उन पर दबाव डाला कि भैया हमको अपने फ्लैट्स बना कर दें नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। इस तरह से कंपनी के ऊपर काफ़ी दबाव आ गया, और साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू था कंपनी ने वो तेज़ी से अपने एक्सपेंशन पर खर्च कर दिया, जिससे कंपनी को जो प्रॉफिट था या जो आय थी वो तो कम होने लगी, और कंपनी के जो एक्सपेंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि कंपनी को एक तरफ जो बैंकों से लोन थे वो उनको देने पड़ रहे थे, जो हजारों करोड़ों में थे वो देने थे, दूसरी तरफ जो बायर्स थे वो अपना पैसा रिफंड मांग रहे थे या फिर पजेशन मांग रहे थे, तो कंपनी अब यहाँ पर फंस गई, ना तो वो उन प्रोजेक्ट को ही पूरा कर पाई और ना जो बैंकों से लोन लिया हुआ था उनको ही वापस कर पाई। तो इस तरह से कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला गया। हालांकि कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए पहले अपना जो सीमेंट उद्योग था उसकी कुछ हिस्सेदारी अल्ट्राटेक सीमेंट को बेची, लेकिन उससे भी जब काम नहीं चला फिर इन्होंने अपना पूरा सीमेंट का जो कारोबार था वो डालमिया ग्रुप को बेच दिया, लेकिन उससे भी इनका जो कर्ज था वो उतर नहीं पाया, कर्ज की रकम काफ़ी ज़्यादा थी, और इस तरह से कंपनी पूरी तरह से उस कर्ज के जाल में फंसी रही। जिन बैंकों से कर्ज लिया था, SBI, ICICI बैंक, IDBI बैंक, ये बड़े बड़े बैंक भी फिर कोर्ट चले गए कंपनी के खिलाफ, यहाँ से कंपनी फिर लीगल पचड़ों में फंसती चली गई। लेकिन फिर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कंपनी के जो होम बायर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो एक दूसरी कंपनी जो मुंबई बेस्ड है सुरक्षा ग्रुप, वो दूसरी कंपनी अब लोगों को फ्लैट पूरे कर कर देगी। तो इस तरह से कोर्ट ने होम बायर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात कही दी, लेकिन कंपनी के लिए मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि बैंकों से भी JP ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, साथ ही साथ उनको और भी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं अपने इन कंपनियों को चलाने के लिए। और यही कारण है कि कंपनी का साल 2010 में जहां शेयर की कीमत लगभग 300 रुपये के ऊपर हुआ करती थी, आज उस शेयर की कीमत लगभग 20-21 रुपये के आसपास ही चल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से JP गोल्ड ने केवल जो 218 रुपये महीना कमाते थे उन्होंने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने के बाद कुछ गलतियां ऐसी कर दी जिससे उनका साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।